तो हे गाइस, तो फाइनली यार अपना बेबलेट जनरेशन 4 जो कि अब कंफर्म हो चुका है क्योंकि उसका ट्रेलर आ चुका है। बोला अगर तुम लोग मेरे चैनल को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से फॉलो करते हो तो मैंने सुबह ही टीजर डाल दिया था अपने चैनल पे, बट अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि क्लेम आ चुका था। लेकिन भाई ये जो टीजर था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसको टीजर नहीं बोलेंगे, ट्रेलर बोलेंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा था, अच्छा खासा, कह सकते 2 मिनट के आसपास था। मुझे याद है एक वीडियो मैंने टीजर के जगह भाई ट्रेलर पे 140 मिनट का बोल दिया था। लाइक खैर छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। तो हाँ यार, ट्रेलर आ चुका है एंड टू बी ऑनेस्ट ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बताया, बट हाँ एक जो हाइप होती है भाई वो बहुत अच्छे खासे इसने जनरेट कर दिए। अब इस ट्रेलर में क्या हुआ सब कुछ मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट यार मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि भाई सच में ट्रेलर भाई एक तरीके से बहुत सारी यादें भी जोड़ दिया। क्योंकि यार देखो, तुम्हें पता है कि यार पुराने जो जनरेशन थे वो भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो हम लोगों ने देखा था पहले, तो उन सबके भी फ्लैशबैक्स हम लोगों को थोड़े बहुत देखने को मिले थे इस ट्रेलर के अंदर। एंड कह सकते हैं मेजॉरिटी में फ्लैशबैक्स ही दिखाए गए थे, जो ओरिजिनल सीरीज हो गया, फिर अपना मेटल हो गया, एंड उसके बाद अपना बर्स्ट हो गया, तो इन सबके थोड़े बहुत हम लोग को फ्लैशबैक्स वगैरह देखने को मिले। फिर लास्ट में जो 1 मिनट बचा रहता है वहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जहाँ पर ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया जाता है कि भाई इस समर यानी कि इसी समर यानी कि 2023 में कोई भी 2024 तक चीज़ें नहीं जाने वाली हैं, 2023 में आने वाला है अपना बेबलेट जनरेशन 4। एंड जैसे कि तुम लोग को पता है कि यार पहले टॉय लाइन स्टार्ट होगी, तो हाँ पहले हम लोग को टॉयज देखने को मिलेंगे, ऐसा बेबलेट का हमेशा से रहा है, पहले उन लोग के टॉयज पहले आ जाते हैं फिर सीरीज़ वगैरह पे होता है। तो हाँ अगर सीरीज़ की बात करूँ तो यार देखो, मेरे को लगता है कि भाई अच्छी सीरीज़ होने वाली है। एंड मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा हाइप बना के भाई मतलब बस जैसा कुछ ये लोग करेंगे, बस से बेटर सीरीज़ मेरे को लग रही है पर्सनली। एंड जितने लीक्स वगैरह हैं अगर उनको मैं काउंट कर लूँ तो भाई करेक्टर्स का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा जो लीक्स वगैरह में दिखाए गए ट्रेलर में। हालांकि हम लोग कुछ ऐसे करेक्टर डिज़ाइन नहीं दिखाए गए, हो सकता है कि यार दिन में कुछ लीक वगैरह आ जाए तो मैं वीडियो ऑफकोर्स बना दूंगा, लेकिन भाई जितने लीक्स वगैरह हैं उसके हिसाब से भी अगर मैं चलता हूँ तो भाई ये सीरीज़ अच्छी खासी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम्हें कुछ बेकार देखने को मिल जाएगा, बस जैसा कुछ फॉर्मेट वापस से देखने को मिल जाएगा, पूरी ये चीज़ें नहीं होने वाली है। ट्रेलर में भी एक एक चीज़ हम लोग को क्लियर कर दी गई है कि भाई अगर तुम बेबलेट के फैन हो या फिर किसी भी चीज़ के फैन हो, अगर तुम पहली बार बेबलेट देख रहे हो तो ये सीरीज़ में तुम्हें मज़ा आने वाला है, क्योंकि भाई इसमें काम अच्छा खासा हुआ है। एंड देखने से ही लग रहा था यार इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा हाइप जनरेट कर दे बेबलेट की कंपनी कि हाँ भाई हम लोग कुछ लाने वाले हैं 21 तारीख को, तुम सबको रेडी रहना है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार इंडिया में आई डोंट नो हाइप क्यों कम है इतनी, बट भाई बाहर के अगर तुम वीडियोज़ देखोगे तो लोग बहुत ज़्यादा लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं, फन भी कर रहे हैं, बट भाई इंडिया में भी सब सो रहे हैं। बट मैं पूरी रात नहीं सोया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा कि हाँ भाई तू पूरी रात नहीं सोया तो तू बहुत बड़ा फैन, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं वैसे भी जगता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मज़ा आया आज यार, एंड कह सकते हो ये जो डेट है 21 तारीख है सबको याद रहेगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ इस वीडियो को पब्लिश कब करूँ, क्योंकि अगर तुम लोग अभी सो रहे हो तो मैं अभी अगर पब्लिश कर दूंगा तो तुम लोग देखोगे नहीं, तो देखता हूँ भाई सुबह के आसपास ये वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए क्या बोलूँ भाई, मतलब मज़ा आ गया इस ट्रेलर को देख के। अगर तुम लोग को देखना है तो जाकर यूट्यूब पे भी सिंपली सर्च कर सकते हो या फिर टकरा टॉमी के चैनल पे जाकर तुम देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करो शेयर करो यार, मतलब भाई अब तो मौका मिला है कुछ अच्छा वीडियो मेरे को बनाने का, इसके पहले तो कह सकते हो पुराने जन पे बना बना के मैं भी थक चुका था। तो भाई इस वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना, एंड कोई लीक्स वगैरह आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पता चलेगा भाई इसलिए तो ये चैनल बनाया था भाई, आज तो मौका मिला है 3 साल बाद जाकर कि हाँ भाई कोई नई जनरेशन आ रही है उस पर वीडियो बनाऊँ मैं। तो हाँ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।